बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड कॉर्न समोसा। उसके लिए ली है मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन है माशाल्लाह, बोनलेस ली है मैंने। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मसाले, क्योंकि मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल आपने लेनी है टी स्पून लेनी है लहसुन अदरक के पेस्ट की। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, और इसके साथ ही नमक इसमें आप शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। और कुटी हुई मैंने मिर्च ली है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और आपने 2 पिंच लेने हैं ऑरेंज फूड कलर। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसे मैरिनेट होने के लिए रखें। और इसके अलावा हमें मैरिनेट करने के लिए चाहिए दही। दही मैं लूँगी 3 से 4 फुल टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करनी है। तकरीबन आधा कप आप समझ लें दही इसमें आप शामिल कर रहे हैं। इसे आपने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना, इसे मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और फिर इसे मैं मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। चिकन अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने इसे, दही वगैरह मसाला जात, और इसे मैं मैरिनेट होने के लिए रखने लगी हूँ। इसे आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रखना है। चिकन मैरिनेट हो गई है, फ्राई पैन में आपने लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। मैरिनेट हो गई थी अच्छे तरीके से, और ससा आपने इसे शामिल करके दरमियानी आँच पे चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है कि गल भी जाए और इसका जो मसाला है वो भी भून हो जाए अच्छे तरीके से। ये पकने लग गई है चिकन, और इसे भून लेना है आपने, और दरमियानी आंच पे भूनना है कि इतनी देर में ये गल भी जाएगी। चिकन माशाल्लाह भून ली थी, उसका पानी ड्राई हो गया था, उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप की है वो इसमें डाली है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मायोनीज। मायोनीज आपने शामिल करनी है 3 से 4 चमचियाँ, और इसके साथ ही मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, कद्दूकस की हुई चीज़ आपने शामिल कर लेनी है, और इसके साथ ही मायोनीज डालनी है इसमें 3 से 4 चमचियाँ, और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। ब्रेड कॉर्न बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिए है, उसके किनारे उतार दिए, और उसे जो है आपने इस तरह से बेल लेना है, बिल्कुल पतला कर लेना है रोटी की तरह। और मैं आपको बाकी भी दिखा देती हूँ। मैंने सारी ब्रेड लेके उनके जो है साइडें उतार दी हैं छुरी से, और इस तरह से उसे बारीक से बेल लेना है। ये देखिए सारी रोटियां मैंने इस तरह से तैयार करके साइड पे रख ली हैं। ब्रेड समोसा बनाने के लिए ब्रेड ली है मैंने, और उस पर इस तरह से आपने मैदा मैंने पानी में घोला था वो लेना है, और इस तरह से इसे आपने जिस तरह से पान की शेप होती है इसे इस तरह से जोड़ लेना। इसमें इस तरह से चिकन की फिलिंग करनी है आपने, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर फिर अब मैं थोड़ी सी चीज़ जो है वो डालूंगी, थोड़ी सी इस पर इस तरह से चीज़ डालनी है, और फिर इसके कोने पे दोबारा से मैदा लगा के इसे बंद कर देना। इस तरह से इसे बंद कर देना। कौन सा समोसा तैयार है इसकी जो है मैंने फिलिंग कर ली है। इसे अंडा लगा के इस तरह से आपने इसके बाद इसे क्रम्स में करना है। कौन सा समोसा फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए हैं, और इन्हें आपने गोल्डन होने पे निकाल लेना है, और दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, तेज पे जल ना जाए। कौन सा समोसा माशाल्लाह तैयार है, और इसकी रिक्वेस्ट मुझे की थी अरिशा और दुआ में, आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे रमज़ान में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।